मैं क्या सोच रहा था ना, एक माफिया मुंडीर का कार्टून बना दिया जाए। रुको जरा, रुको। हाँ तो भाई कैसे हो सारे? तो आज से 4 महीने पहले अपने हनी पाजी ने एक कलोरेशन ट्रैक शूट करा था जो कि एलए में हुआ था, साज के साथ में, जो अफसाना खान के हस्बैंड है। तो भाई ये जो ट्रैक है इसका ऑफिशियल पोस्टर ड्रॉप हो चुका है, एक न्यू म्यूजिक लेवल से आने वाला है ये ट्रैक। तो ट्रैक का नाम है भाई सिक्का। और बाकी एक खास बात ये है, ट्रैक की जो बीट्स हैं वो अपने हनी पाजी ने प्रोड्यूस करी हैं। तो ट्रैक तो भाई ऑलरेडी हिट है और लिरिक्स जो है रॉनी एंड गिल के हैं। और जहाँ तक मुझे पता है ये जो ट्रैक है भाई गैंगस्टा वाइब होने वाली है इस ट्रैक की। इसके अलावा ये लोग लिखते हैं वी आर बैक विथ बैंगर, साच कमिंग विथ लेजेंड, ये हनी सिंह, स्टे ट्यून्ड। तो अभी भी इन लोगों ने भाई रिलीज डेट अनाउंस नहीं करी है। चलो अब बातचीत कर लेते हैं पोस्टर के बारे में। भाई आपको कैसा लग रहा है, ओपिनियन दो कमेंट्स में। लिटरली बताऊं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है भाई। मतलब इससे ज्यादा 10x बेटर एडिट्स तो जो है हनी पाजी के फैन पेजेस कर लेते हैं भाई, उन्हीं को हायर कर लेते भाई कैसा पोस्टर बनाया है। चलो ये भी हो सकता है कि टेम्पररी इन लोगों ने हाइप बनाने के लिए निकाल दिया हो, ऑफिशियल अभी भी नहीं निकाला हो, जिसका अपन को वेट करना पड़े रिलीज डेट के साथ ही निकाल दें। लेकिन भाई अगर यही ऑफिशियल है तो भाई दिक्कत है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि इसको ऑफिशियली कहेंगे क्योंकि भाई म्यूजिक लेवल से ही ड्रॉप हुआ है, थोड़ी बहुत तो शर्म इनको करनी ही चाहिए थी भाई, क्योंकि हनी पाजी के साथ में कलेब्रेशन है। बाकी इसके अलावा कॉम्प्रो ट्रैक से रिलेटेड भी अपडेट आई है। अल्फाज पाजी ने आज ये 2 फोटो शेयर करी हैं, एक हाई मेरा दिल की है जो कि भाई आइकॉनिक है, सबको याद है, और दूसरी भाई ये लेटेस्ट है जो कि कॉम्प्रो ट्रैक का शूट है, उसी की फोटो है। और वो नीचे लिखते हैं देन एंड नाउ इट हैज बीन ब्यूटीफुल जर्नी, थैंक यू गाइज फॉर ऑलवेज लविंग एंड अप्रिशिएटिंग माई वर्क, वेल शेयर कॉम्प्रो फीचरिंग यो हनी सिंह फर्स्ट लुक इन फ्यू डेज, स्टे ट्यून्ड। तो जल्दी अपन को जो है इसका फर्स्ट लुक भी देखने को मिल जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है भाई अब अप्रैल में जो है अब हनी पाजी की साइड से बैक टू बैक ट्रैक्स की बरसात होने वाली है। इसके अलावा विगड़िया हीरा ट्रैक कंप्लीट कर चुका है फाइनली, 30 मिलियन प्लस व्यूज और भाई लाइक्स तो इतने हैं कि किसी की एल्बम के सारे ट्रैक्स के लाइक्स कंबाइन कर लो और हनी पाजी का सिर्फ एक ट्रैक विगड़िया हीरा इसके लाइक्स फिर भी बीट नहीं कर पाएगा भाई। और भाई आज 3 हफ्ते हो गए हैं ट्रेंडिंग सेक्शन से ये ट्रैक हटा नहीं है। साथ ही साथ एक और गुड न्यूज है, आज 100K रील्स भी कंप्लीट हो गई है भाई विगड़िया हीरा पे, तो ऐसे ही रील्स बनाते रहो। इसके अलावा आगे बातचीत करते हैं, तो रजत दलाल को तो काफी लोग जानने लगे होंगे। रिसेंटली भाई बहुत क्रिंजी सीन चल रहा था, आप सबको तो पता है इन्फ्लुएंसर्स के बीच में। तो भाई इन्होंने एक नया लफड़ा करने की प्लानिंग करी है, वो भी भाई हनी पाजी के साथ में। कैसे? अभी रिसेंटली जो है राखी के साथ में रजत दलाल समय रैना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लाइव थे और वहां पे उन्होंने माफिया मुंडीर के बारे में कुछ ऐसी बात बोल दी जो कि भाई तुम यही समझो कि माफिया मुंडीर से रिलेटेड कुछ सीन है, तो इनडायरेक्टली हनी पाजी के साथ है, क्योंकि माफिया मुंडीर किसने बनाया था? हनी पाजी ने। भाई एक चैट आई थी कि लगे हाथों माफिया मुंडीर का भी सही करा दो सब। क्या करवा दो? माफिया मुंडीर का भी सब सही करा दो यार रजत भाई। माफिया मुंडीर कौन है? ओके हां ये बिल्कुल सही सवाल है। मैं क्या सोच रहा था ना, एक माफिया मुंडीर का कार्टून बना दिया जाए। तो भाई ने जब बोला कि मैं तो माफिया मुंडीर को जानता नहीं हूँ, वहां तक तो सही सीन था, लेकिन उसके बाद से भाई ने क्या करा कि माफिया मुंडीर का चलो कार्टून बनाते हैं। भाई को कोई समझाओ जाके कि भाई ये तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स वाला फैन बेस नहीं है लाइक बिग बॉस, कि अचानक से फॉलोअर्स बढ़ गए और अगले महीने खत्म सारे के सारे फॉलोअर्स, जैसा MC Stan के साथ हुआ था। वो सब टेम्प्ररी सीन होता है, लोग मजे लेने आते हैं। ये हनी सिंह का फैन बेस है जो कि बंदे ने 10-15 साल से कमाया है, और भाई ये ऐसा फैन बेस है ना इकलौता पूरी म्यूजिक सीन में कि किसी को भी पेल सकता है। तो भाई को बताओ कि तुम यहाँ मत आओ, हनी पाजी भाई अच्छे अच्छे बड़े आर्टिस्ट को भाव नहीं देते, ये तो फिर भाई कौन ही है। एनीवेज तो जैस्मिन सैंडल्स का एक इंटरव्यू आया है और उन्होंने बताया कि कैसे अपने हनी पाजी उनकी एक लेगेसी का पार्ट है। द पॉपुलर सॉन्ग्स आई गेट अ लॉट ऑफ ग्लोरी ब्रिंग अटेंशन टू माय अदर सॉन्ग्स दैट आई रियली वांट पीपल टू हियर and that's really beautiful. Illegal Weapon and Yaar Na Mile are such massive worldwide global sensations, right? Beautiful story, right? Honey and I spoke on Twitter. Okay. Hai na? I had posted a video of my daddy and he said she's so adorable. And I said something to him like, welcome to Team Sandless, hai na? Confidence hi na si mera. Yeah. And he, you know, showed me his appreciation for my song Muskan, which was my first song ever. And he's like, you know, I love what you do and you're so cool and everything, and we should work together on something. And it was a song that changed my life. It was a, you know, I have
such beautiful things to say about Honey. Yeah. You know, and he's been a beautiful part of my musical legacy, you know. यहाँ तक आ गए हो तो लाइक शेयर कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को. बाय.